नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। कश्मीर घाटी लंबे अरसे से अशांत है। कश्मीर से खबर आती है तो सिर्फ पत्थरबाजी और सैनिकों पर हमले की। कभी सैनिकों पर पत्थर फेंके जाते हैं तो कभी उन्हें पीटा जाता है। लेकिन अब घाटी के अनंतनाग से एक अच्छी खबर आई है। एक बेटी जो पत्थर नहीं फेंकती, एक बेटी जो वतन परस्ती का जज्बा रखती है। कश्मीर वादी इन दिनों पत्थर फेंकने के लिए बदनाम है। इन पत्थरों के निशाने पर हैं सैन्य बल, बावर्दी सैनिकों के खिलाफ जैसे हर हाथ पत्थर उठाए हैं। अब इसी वादी में है एक जोड़ी ऐसे हाथ जो पत्थर नहीं उठाते बल्कि गेंद थामे हैं, जो पत्थर नहीं फेंकते क्रिकेट की गेंद फेंकते हैं। घाटी में गूंजने वाली कानों में चुभती एक आवाज ये जो पत्थरबाजों के हाथों से छूटे पत्थरों से निकलती है, और मिलती जुलती एक आवाज ये जो बेटी के बल्ले से निकलती है। ठक ठक की आवाज भले पत्थरबाजी की आवाजों से मिलती हो लेकिन कान में चुभती नहीं, मिसरी से उतरती है। पत्थर के सब रास्ते परवाह नहीं, धुंधले चेहरे ख्वाब के परवाह नहीं, चलनी ऐसी ना रहने दो, अब जो भी हो परवाह नहीं। एक तरफ घाटी के वो नौजवान हैं जो मुंह छुपाए नकाब पहने अपने ही देश की व्यवस्था पर पत्थर फेंकते हैं, तो दूसरी तरफ वो बेटी है जो सिर पर टोपी पहने गर्व से बल्ला ताने एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़कर सबका और देश का दिल जीत रही है। कश्मीर घाटी से इन दिनों अच्छी खबरें नहीं आती। अरसे बाद एक अच्छी खबर आई और इसी खबर का नाम है रूबिया सईद। अनंतनाग जिले के छोटे से गांव बड़ा सगाम की इस बेटी ने खिलाफ खड़े हालात में भी अपने लिए बड़ा मुकाम तलाशा है। लकड़ी के बल्ले और लोहे सरीखा जज्बा लिए रूबिया सईद क्रिकेट के एक अहम पड़ाव तक पहुंची है। रूबिया सईद को इंटर जोनल मुकाबले में नॉर्थ जोन की महिला क्रिकेट टीम के लिए चुना गया। मार्च महीने में मुंबई में हुए अंडर 23 वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट में रूबिया ने शानदार प्रदर्शन किया। रूबिया कश्मीर की पहली महिला क्रिकेटर हैं। उनसे पहले कश्मीर की किसी महिला ने प्रोफेशनल क्रिकेट में हाथ नहीं आजमाया था। मुझे हर एक गांव का जितना जो भी है मुझे हर एक सपोर्ट कर रहा है। जैसे मैं जाती थी खेलने के लिए सब यहां पे खुश हो रहे कि नहीं कहीं ना कहीं हमारी लड़की हमारा नाम रोशन करे। रूबिया के नॉर्थ जोन महिला क्रिकेट टीम में चुने जाने पर गांव ने इस असाधारण बेटी का सादगी भरा स्वागत किया। मोहल्ले वालों ने बेटी को नोटों की मालाओं से लाद दिया तो माँ की आंखें खुशी से भर गईं। गांव की महिलाओं ने उन्हें गले लगाए, सबसे हुनरमंद बेटी को प्यार से चूम लिया, तो गांव के बुजुर्गों ने, महिलाओं ने और उनकी सहेलियों ने रूबिया सईद को दुआएं दी और खुशी जाहिर की। जब ये लड़की वहाँ जाएगा जाएगी तो हम बहुत ही खुश होंगे, यहाँ हमारा गाँव भी बहुत खुश हुआ है। जब हमने सुना कि वो नारजून लेवल पे सिलेक्ट हो गई तो मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि वो इंटरनेशनल लेवल पे सिलेक्ट हो जाए। रूबिया सईद उन पत्थरबाजों के लिए सबक हैं जो पत्थर फेंकने में अपनी ताकत और हुनर दोनों जाया करते हैं। रूबिया ने क्रिकेट खेलना अपने गांव से ही शुरू किया था। पहले पहल लोगों को उनका क्रिकेट खेलना अजीब लगा था, लेकिन रूबिया को उम्मीद थी कि विरोध करने वाले एक दिन उन पर गर्व करेंगे। अगर देखा जाए तो एक लड़की के लिए तो बहुत मतलब मुश्किल है पहुंचने के लिए, बट मेरे जितने भी मतलब चाहे मेरे टीचर्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, उन सब लोगों ने मुझे इतना अच्छा सपोर्ट किया कि जो भी कोई कुछ बोलता था मैं अवॉइड करती थी, मैं अपने गेम पे फोकस करती थी और मैं आगे जाना चाहती हूँ।
महिलाओं के लिए हमेशा सिर ढकने वाले और नकाब के पीछे रहने वाले समाज में एक लड़की का क्रिकेट खेलना आसान नहीं था, लेकिन रूबिया ने न हिम्मत हारी न उम्मीद के धागे का सिरा छोड़ा। गरीब परिवार से आने वाली रूबिया ने आज उसी धागे से अपनी उम्मीदों का ताना बुन लिया है, लेकिन रूबिया के लिए इस आसमां से आगे जहान अभी और भी हैं। रूबिया सईद एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है, उसके पिता पेशे से दर्जी हैं। रूबिया के लिए क्रिकेट खेलना मुश्किल काम था। क्रिकेट जैसे महंगे खेल के लिए पैसे नहीं थे, ऊपर से सामाजिक दुश्वारियां भी थी, लेकिन उसके पिता ने उसे रोका नहीं और आज रूबिया एक अहम मुकाम पर पहुंच चुकी है। पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। रूबिया सईद कश्मीर के उन बेशर्म पत्थरबाजों के बीच से निकली मिसाल है जिन्हें व्यवस्था में खोट नजर आता है, जो सेना पर पत्थर फेंक कर अपने ही देश को कोसते हैं। और एक ये बेटी है जो अपने देश का सिर गर्व से ऊंचा करना चाहती है, जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए तमाम खिताब जीतने की उम्मीद सजाए बैठी है। मतलब मुझे इस टाइम अपने आप पे गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं मैंने स्टैंड किया अपने माँ बाप के लिए, अपने फैमिलीज के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए एंड अपने मुल्क के लिए। रूबिया ने बल्ला थामा तो अपने घर के चौबारे में, जहाँ आज रूबिया खेल रही है, ठीक इसी पेड़ के नीचे उसने क्रिकेट सीखा। पहली बार बल्ला थामा और शॉट्स लगाते हुए अपने फेवरेट क्रिकेटर की नकल की। शुरुआत में रूबिया अकेले ही क्रिकेट की प्रैक्टिस करती थी। कभी कभी उनकी कोई सहेली उनके लिए अनगढ़ से अंदाज में गेंदबाजी कर दिया करती थी। धीरे धीरे गाँव के लड़कों ने अपनी टीम में उनके लिए जगह बनाई। इसके बाद रूबिया गांव के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने लगी। मैंने यहाँ गांव में ही खेला, मैं लड़कों के साथ खेल रही थी, सुबह निकलती थी स्कूल टाइम तक मैं खेलती थी, उसके बाद वापस आके फिर से निकलती थी खेलने के लिए। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमान हो जो खास खास आशाएं। रूबिया के परिवार की थोड़ी सी आमदनी में उनके क्रिकेट के खर्च भारी थे, लेकिन पिता ने कभी इनकार नहीं किया। पेशे से दर्जी रूबिया के पिता ने कभी उनके क्रिकेट खेलने पर रोक नहीं लगाई। परिवार से सहारे के लिए हाथ बढ़ाया तो रूबिया की हिम्मत भी बढ़ती गई। गांव की टीम में खेलते खेलते रूबिया का हुनर निखरा। इसके बाद 2011 में रूबिया का चयन जम्मू कश्मीर के अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम में हो गया। नॉर्थ जोन टीम के लिए क्वालिफाइंग मैच अमृतसर में हुआ। इसमें रूबिया सईद ने जम्मू कश्मीर की तरफ से खेलते हुए मेजबान पंजाब के खिलाफ टूर्नामेंट में 160 रन बनाए। उनका बेस्ट स्कोर 42 बाल पर 84 रन रहा। नॉर्थ जोन की टीम में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से खिलाड़ी चुने जाते हैं। जम्मू कश्मीर से रूबिया इकलौती महिला क्रिकेटर है। जिस पेड़ के नीचे रूबिया ने क्रिकेट खेलना सीखा था, अब भी उसी पेड़ के नीचे वो प्रैक्टिस करती हैं। गांव के तमाम लड़के उनसे गेंदबाजी और बल्लेबाजी के हुनर सीखते हैं। गांव के मैदान के किनारे बैठकर रूबिया को खेलते देखते हैं और अपनी गांव की बेटी पर फख्र करते हैं। रूबिया का कहना है कि सरकार से तो उन्हें कुछ नहीं मिला, अब तक जो हासिल किया अपने ही बूते किया। सरकार की तरफ से बिल्कुल कोई कुछ नहीं मिला, बस यही कि अपने टैलेंट पे मैं गई, अपने टैलेंट पे सिलेक्शन हो गई, अपने खेल की अपनी बैट और बॉल से मैंने जवाब दिया, मैंने सिलेक्टर्स को इम्प्रेस किया, तो तब जाके उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया। रूबिया सईद का कश्मीर में क्रिकेट खेलना आसान नहीं था, लेकिन वो सबसे बड़ा मददगार अपने कोच को मानती हैं। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा हाथ मेरे सर का रहा, जिसका नाम है अब्दुल रशीद अहंगर। उसने मुझे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से प्रमोट किया श्रीनगर के लिए, और सजाद सर जो हमारे फिजिकल टीचर था, उसने मतलब बहुत अच्छा रोल उसका रहा। बाकी जितने भी टीचर्स थे, उन्होंने मुझे, हर एक टीचर ने मुझे सपोर्ट किया। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल यहाँ पार्टिसिपेशन किया DPS में, उसके बाद JKCA जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन किया, उसके बाद मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की हर एक स्टेट में मैंने पार्टिसिपेशन किया है, एज रणजी ट्रॉफी,
एस टी 20, 23, अंडर 19 मैंने हर एक फॉर्मेट खेला। रूबिया नेशनल लेवल पर अब तक 30 से ज्यादा मैच खेल चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के बाद अब वो नॉर्थ जोन टीम का हिस्सा भी रह चुकी हैं। 22 साल की रूबिया सहित फिलहाल अनंतनाग के महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही हैं। उन्हें और उनके परिवार को उम्मीद है कि एक दिन जरूर वो इंटरनेशनल लेवल पर देश के लिए क्रिकेट खेलेंगी। हम चाहते हैं कि वो इंडियन टीम में खेलें और आगे बढ़े और आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे हम उसको, मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। उसमें टैलेंट है, वो जहाँ जाना चाहेंगे हम उसको जाने देंगे। घाटी की ये बेटी उन नौजवानों के लिए सबक है जो हाथों में पत्थर उठाए खड़े हैं। रूबिया ने साबित कर दिया है कि अगर हिम्मत और हौसला हो तो खराब हालात में भी क्या नहीं किया जा सकता। रूबिया सईद देश के लिए क्रिकेट खेलना चाहती है और उन्हें महेंद्र सिंह धोनी सबसे ज्यादा पसंद है। वो धोनी की तरह छक्का लगाना चाहती हैं। रूबिया अपने आप में घाटी के उन नौजवानों के लिए एक मिसाल हैं जो पत्थर उठाए खड़े हैं। रूबिया ये कहती है कि पत्थरबाजी की बजाय नौजवानों को अपना टैलेंट को निखारना चाहिए। बड़ा सगाम अनंतनाग से महज 8 किलोमीटर दूर है। इसी अनंतनाग से जहां की महिलाएं कुछ दिनों पहले सीआरपीएफ के जवानों पर पत्थर और लाठियां बरसाते नजर आ रही थी। हिंसा और अशांत अनंतनाग के पड़ोस में बसा एक छोटा सा शांत गांव आज चर्चा में बना है तो रूबिया सईद के चलते। रूबिया के क्रिकेट खेलने पर उनके परिवार ने कभी रोक टोक नहीं लगाई बल्कि उनकी मेहनत को सराहकर उम्मीदों को एक नई उड़ान दी। बचपन से ही उसको बहुत शौक था क्रिकेट खेलने का, तो हमने उसको बहुत सपोर्ट किया। फैमिली वालों ने उसको बहुत सपोर्ट किया, मम्मा ने उसको सपोर्ट किया, पापा ने उसको सपोर्ट किया। वो जहाँ जाना चाहती थी हमने उसको जाने दिया। रूबिया ने जब से प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया तब से ही घर में ट्रॉफी आने लगी। अब तमाम सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफी घर में सजी हुई है। रूबिया ने एनसीसी में भी सी सर्टिफिकेट हासिल किया। पहले पहल उनका इरादा सेना में भी जाने का था लेकिन फिर क्रिकेट में सीढ़ियां चढ़ती गईं तो गेंद और बल्ले का मोह नहीं छूटा। आज रूबिया बतौर ऑलराउंडर नॉर्थ जोन टीम का हिस्सा हैं। उनका सपना देश की क्रिकेट टीम की जर्सी पहनना है। उन्हें उम्मीद है कि देर सवेर वो एक दिन देश के लिए जरूर खेलेंगी। रूबिया सईद के फेवरेट क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी हैं। उन्हें धोनी की तरह छक्के मारना पसंद है। रूबिया कहती है कि वो विकेट कीपर नहीं लेकिन छक्के तो धोनी की तरह मार ही सकती हैं। मेरा फेवरेट है MS धोनी, मैं भी उसी तरह बनना चाहती हूँ, बट वो विकेट कीपर है, मैं ऑलराउंडर हूँ, उससे कोई फर्क नहीं। छक्के तो उसी की तरह मारते हैं, तो वैसे ही मेरे एम है कि मैं टीम में जाऊँ। खराब हालात से गुजरने के बावजूद कश्मीर की लड़कियाँ हमेशा देश का सिर गर्व से ऊंचा उठाती रही हैं। शिक्षा के साथ साथ खेल के मैदान में भी बाजी मार रही हैं। इसी कड़ी में रूबिया सईद का नाम भी शामिल हो गया है। बल्कि भारत विरोधी भावना से भरे कश्मीर के युवाओं में रूबिया अलग मिसाल हैं, जिन्होंने वतन का नाम रोशन करने की ठान रखी है। रूबिया खुद घाटी के युवाओं को संदेश देती हैं कि अपना टैलेंट जाया न करे। हर एक लड़की को जो मतलब स्पोर्ट्स के रिलेटेड से इन टच है, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ, अगर टैलेंट है उसको शो करो, आगे बढ़ो, और मतलब हम किसी से काम नहीं, हम भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बीते साल के जुलाई महीने से हालात बिगड़े हैं। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद अलगाववादियों और पाकिस्तान परस्तों ने घाटी को शांत नहीं रहने दिया। आए दिन सेना पर पथराव किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूल फूंक दिए गए। पढ़ाई लिखाई और आम जिंदगी हर चीज में पाकिस्तान परस्त लोग मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं।
लेकिन ऐसे हालात में भी रूबिया सईद जिस मुकाम पर पहुंची हैं, वो काबिले तारीफ है। घाटी के पत्थरबाज इस बेटी से वतन परस्ती तो सीख ही सकते हैं,